हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं गोभी चाप। और इसे बनाने के लिए हमने लिया है फूल गोभी एक बड़ी सी साइज का। और इस पूरे फूल गोभी का हम चाप बनाने वाले हैं, क्योंकि इसको हम लंच में प्रयोग करने वाले हैं। तो आप इसको लंच में भी यूज़ कर सकते हैं और पकौड़ी के तौर पे भी, चाप के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए हम पानी, 1 लीटर पानी को पहले गर्म कर रहे हैं। जब तक ये बॉईल हो रही है तब तक हम गोभी को काट लेते हैं। गोभी को तोड़ने का ये तरीका है काटने का। सबसे पहले इसके जो हरा वाला एरिया है डंठल, उसको निकाल लिया जाता है, जिससे कि अगर गोभी के अंदर कोई कीड़ा वगैरह है तो वो आसानी से नीचे से दिख जाता है। उसके बाद ऊपर की गोभी के फूल को तोड़ेंगे ताकि ऊपर भी कोई कीड़ा ना हो। तो ये सब तरीका अच्छा है, क्योंकि गोभी में बहुत ज़्यादा कीड़ा हो सकता है, सांप वगैरह भी पाए जाते हैं। ऐसा आपने देखा होगा वीडियो वगैरह में कि उसमें गोभी के अंदर छिपा होता है। तो इसीलिए पहले जड़ को काट के अलग कर लिया जाता है, पूरा तोड़ करके उसके बाद ऊपर देखा जाता है, और अगर कोई गंदगी दिख रही है तो उसको निकाल लेंगे। तो ये हम तोड़ रहे हैं, तब तक इसको काट रहे हैं। इसके बाद नॉर्मल पानी से इसको हम धो लेंगे ताकि जो गंदगी है वो पानी के ज़रिए निकल जाए। इसके बाद हमने जो पानी गर्म करने के रखा हुआ था उसमें 1 चम्मच हम नमक डाल रहे हैं। और इस नमक डालने के बाद थोड़ा पानी जब हल्का सा बॉईल हो जाए, नमक पानी में डालने से पानी पूरी तरीके से साफ़ हो जाएगा। इसके बाद इसमें हम गोभी को डालेंगे। गोभी को बॉईल करने वाले हैं हम चाप बनाने के लिए। दो फ़ायदा इससे क्या होगा कि गोभी बॉईल भी हो जाएगी और गोभी में जो भी वायरस, जो भी कीटाणु वगैरह है, डस्ट, वो निकल जाएगा गर्म पानी के ज़रिए। ये हमारा हरी मिर्च है और लहसुन है। तो यहाँ 10 से 12 हमने हरी मिर्च लिया हुआ है और 2 पोटली हमने लहसुन लिया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं हरी मिर्च है। इसको हम पीसेंगे। इन दोनों का पीस करके पेस्ट तैयार करने वाले हैं डालने के लिए। लहसुन और मिर्च और अदरक का पेस्ट किसी भी पकौड़ी चाप में अगर आप डाल रहे हैं तो बेहद ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो अब इसको हमने खोल दिया है और गैस को, फ्लेम को थोड़ा हाई कर दिया है, और हाई करके थोड़ा देर इसको छोड़ देंगे ताकि थोड़ा बॉईल ऊपर हो और गोभी पूरी तरीके से पक गया है। तो आप देख सकते हैं कितना पूरा वाइट हो गया है। गर्म पानी में नमक डालने से पूरा गोभी का कलर एकदम वाइट हो गया है, पूरी तरीके से गोभी स्वच्छ हो चुकी है एकदम। अब इसको छान करके हम अलग कर रहे हैं। इसको मैश करना है बिल्कुल अच्छे से, बहुत ज़्यादा भी एकदम नहीं करना है हलवा की तरह, लेकिन हल्का फुल्का इसको मैश करनी है। खासकर जो डंटल है, डंटल को अच्छे से मैश कर देना है। बेसन का प्रयोग हम 250 ग्राम कर रहे हैं। अगर कप से लेना चाहें तो 2 कप के लगभग है ये बेसन। हरी मिर्च का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, स्वादानुसार नमक, 2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। तो अब इसको हमें मिक्स करना है हाथों से, और वो भी बिना पानी का, क्योंकि गोभी को हमने बॉईल किया है तो गोभी ऑलरेडी पानी छोड़ा हुआ है। पानी आपको मिलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वरना ये गीला हो जाएगा। बस इसको फेंटते रहिए, फेंटते फेंटते ये खुद ही इसका अच्छा सा पेस्ट रेडी हो जाएगा पकौड़े बनाने लायक। और अब हमें गोला गोला सा, जैसे कि आप आलू चाप बनाते हैं उसी तरीके से गोले गोले गोभी चाप बनाना है। गोभी चाप बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। इसको आप लंच में यूज़ कर सकते हैं, इसको आप पकौड़े के तौर पे, आप इसको सॉस के साथ खा सकते हैं, इसको आप हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। ये बेहद ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है और इस समय तो सीज़न है, बिल्कुल आप खाइए, बहुत स्वादिष्ट लगता है। और आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। हम बहुत सारे वीडियोज़ को हर प्रकार की सब्ज़ी को डाल रखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। हर प्रकार के नाश्ते, हर प्रकार के खाने, सब्जियां, सब चीज़ डाला है। तो आप पेस्ट डाल के देख सकते हैं प्लेलिस्ट पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करिए ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।